बताता है कि कितना यूएई के लिए इंपॉर्टेंस है भारत और भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है यूएई। तो ये जो आप देख पा रहे गार्ड ऑफ ऑनर मिलना, ये इतना ऐसा नहीं है कि हर किसी को गार्ड ऑफ ऑनर से मिलता है या फिर क्राउन प्रिंस खुद मिलने आते हैं और कंपनी के सीईओ मिलने आए हैं। तो ये यहाँ पे भारत एक तरह से, जैसे मैंने कहा कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, यूएई भी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले दोनों का जो जो इकोनॉमी है वो ऑयल बेस्ड या कोल बेस्ड है। जैसे भारत का बहुत ज्यादा, भारत का जो इकोनॉमी है वो कोल बेस्ड इकोनॉमी है और यूएई का जो इकोनॉमी है वो यूएई का जो है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी। तो कैसे ये दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर डिसीजन ले और आगे बढ़े, तो वो एक बहुत अहम बात हो जाती है। तो कई कई दोनों देश उसमें काम कर रहे हैं और COP28 में आपने कहा कि यूएई की प्रेसिडेंसी भी है, सही है, और भारत जैसे जिस तरीके से उभरा है पिछले 4-5 सालों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनके, और यूएई चाहता है कि वो आवाज उनके साथ भी वो खड़े हो और दोनों मिलके एक ग्लोबल साउथ की एक अगुवाई करें कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ की जो आवाज है अब वो पूरे विश्व में गूंजे। बिल्कुल, और हमने देखा है, देखिए जलवायु परिवर्तन और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो जग जाहिर है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं, वो जग जाहिर हैं। इस दौरे के दौरान भी जलवायु संबंधी कार्रवाई को तेज़ करने के बारे में, वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी बातचीत होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी, आपने सही कहा कि जलवायु पे और एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो एक तरह से बहुत अहम है और एनवायरमेंटल कंसर्न को लेके आज विश्व के सारे ही देश सजग है, उसके साथ साथ यूएई और इंडिया तो खासतौर से इस पे लगे। जाते मैंने कहा कि अब जैसे पहले यूएई में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा कार चलती है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि ये जो कार्स हैं इनको ई व्हीकल में तब्दील किया जाए। उसके साथ साथ जैसे भारत में नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, तो यहाँ पे भी यूएई में भी हमने देखा है कि इनका भी एक हाइड्रोजन एक सिस्टम है, एक मिशन है जिसके तहत ये क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों ही देश अब एक साथ इस पे काम करेंगे और ये भी एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा इस जो मीटिंग में, ये यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट यूएई के जब मिलेंगे तो ये दोनों मिलके ये इन चीजों पे भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है दोनों एक साथ उसके साथ काम करें और किस तरीके से दोनों ही देशों को लाभ मिले। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप ग्रीन इकोनॉमी में जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी ज्यादातर इस वक्त है वेस्ट कंट्रीज, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के पास, इतना आसान नहीं है उनसे जो इकोनॉमी से टेक्नोलॉजी लेना। लेकिन जिस तरीके से